इनपुट डिवाइसेस बहुत इम्पॉर्टेंट डिवाइस है, बिकॉज अगर आप कंप्यूटर को इनपुट ही नहीं देंगे तो कंप्यूटर प्रोसेस किस पे करेगा, किस डेटा पे करेगा? तो फॉर प्रोसेसिंग ऑन डेटा द यू मस्ट गिव द इनपुट टू द कंप्यूटर, एंड देर आर लॉट ऑफ डिवाइसेस इन द कंप्यूटर विच इज़ यूज टू प्रोवाइड द इनपुट टू द कंप्यूटर. ठीक है, एक बार इसको आप लोग जस्ट हैव अ लुक. हम स्क्रीन शेयर कर रहे हैं तो आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि लास्ट क्लास में हम लोग ने कहाँ पढ़ा था. ठीक है, जैसे इनपुट डिवाइस में पॉइंटिंग डिवाइस, स्कैनिंग डिवाइस, सोर्स डेटा ऑटोमेशन में, सोर्स डेटा ऑटोमेशन में ऐसी डिवाइस जिसमें टाइप कुछ नहीं करना है आपको, आपको सिर्फ स्कैन करना है, यानी कि पेपर रखना है और डेटा वो अपने आप ले लेगा. तो सोर्स डेटा ऑटोमेशन में MICR, OMR, OCR, OBR, ये सारे एक तरह के स्कैनर ही हैं जो कि डेटा को ऑटोमेटिकली फेच कर लेते हैं. सिर्फ एक ही जगह आपको टाइप करना होता है, दैट इज द कीबोर्ड. ठीक है, और माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है जो कि क्लिक एंड ड्रैग के काम में आता है. माउस पहला जो माउस है वो 1960s में, यानी कि 60 के दशक में जो है वो इन्वेंट हुआ था. अभी उसको हम आपको लिखा देते हैं. ठीक है, और इसमें ये आपका जो है, हम लोग ने इसको पढ़ा था MICR, OMR और OBR, इसको हम लोग ने लास्ट क्लास में देखा था. और ये था कि लाइट पेन, कीबोर्ड और वॉइस इनपुट रिकग्निशन, जो कि माइक से कमांड दिए जाते हैं और माइक से ओपन और क्लोज होता है, या गूगल में कोई चीज़ हम सर्च करते हैं, लाइक हम लोगों ने एग्जांपल भी लिया था गूगल असिस्टेंस, एलेक्सा, माइक्रोफोन्स, ये सब हमारे वॉइस इनपुट रिकग्निशन सिस्टम्स हैं जो कि टाइपिंग को रिड्यूस करते हैं. अगर आपको टाइप नहीं करना है, आप चाह रहे हैं हम टाइप ना करें, तो आप बोल दीजिए तो वो टाइप कर देगा कंप्यूटर. तो इस तरह से आप अपनी टाइपिंग की जो में लगने वाला जो टाइम है उसको भी आप बचा सकते हैं. ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था. ठीक है, अब उसी क्या कहते हैं क्रम में हम लोग आगे पढ़ते हैं. और यहाँ पर आप जैसे हम लोगों ने स्कैनर्स में, जो स्कैनर हमने आपको लिखवाया था, स्कैनर इसमें आपको हमने तीन तरह के स्कैनर लिखवाए थे. एक एक तो फ्लैट बेड स्कैनर, ये सब आप स्कैनर आपने देखे हैं. सिर्फ नाम आपने हो सकता है पहली बार सुना हो, या आप में से बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने पहले सुना हो. ये जो फ्लैट बेड स्कैनर्स हैं, ये आपके फोटो कॉपी की जो शॉप होती है, ठीक है, इस स्कैनर में जो फोटोकॉपी की जो शॉप होती है वहाँ पर अगर आप जाएंगे तो आपको जितने भी स्कैनर वहाँ मिलेंगे, स्कैनर मतलब वहाँ का मतलब, उसमें क्या करना है आपको, ओपन ऊपर वाला कवर आपको ओपन करना है और स्कैनर को आपको यूज़ करना है, जो आम ऑफिस वगैरह में लगे हुए होते हैं. इसका हम लोग एक वो देख लेते हैं एग्जाम्पल, फ्लैट बेड स्कैनर का एग्जाम्पल देख लेते हैं, जो बिल्कुल नॉर्मल ऑफिसेज वगैरह में ये स्कैनर्स लगते हैं जिसमें ढक्कन ऊपर से ओपन हो. ठीक है ना, यानी कि इसमें क्या होगा, ओपन फ्रॉम टॉप. स्कैनर का काम क्या होता है, स्कैनर का काम होता है जो प्रिंटेड डॉक्यूमेंट है उसको एज इट इज कंप्यूटर में दे देना. मतलब स्कैनर क्या करेगा, स्कैनर स्कैन प्रिंटेड डॉक्यूमेंट, ये किसे स्कैन करेगा, स्कैन द प्रिंटेड डॉक्यूमेंट.
एंड गिव इट टू द कंप्यूटर फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। ये सारे स्कैनर के लिए, सिर्फ ये फ्लैट बिट के स्कैनर की बात हम नहीं कर रहे हैं, सभी तरह के स्कैनर। वो इस प्रिंटेड डॉक्यूमेंट को, जैसे बार कोड को भी प्रिंटेड डॉक्यूमेंट होता है, और जो आपका OABR, जो OMR शीट होती है, जो एग्जाम्स में आप जो शीट लिखते हैं वो भी, और जो आप क्या कहते हैं उस पे जो चेक बुक्स वगैरह होती हैं उस पे भी नंबर प्रिंटेड ही होते हैं। तो जितने भी प्रिंटेड डॉक्यूमेंट होती है, या आपको जैसे आपकी मार्कशीट है, आपको अपनी मार्कशीट की एज इट इज कॉपी कंप्यूटर में चाहिए, तो उसके लिए हमें स्कैनर की जरूरत पड़ेगी। आप मान लीजिए अपना फोटो चाह रहे हैं कि हमारे पास कोई फोटो है, बिल्डिंग की फोटो है, उसको हम कंप्यूटर में ले आए, तो उसको हम कैसे लेकर आ गए, उसके लिए स्कैनर यूज होता है। तो स्कैनर में एक तरह का कैमरा लगा होता है जो उसको कैप्चर करके, डॉक्यूमेंट को कैप्चर करके इमेज के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, फिर कंप्यूटर डेटा में वो बदल देता है, फिर बाकी प्रोसेस अंदर उसके चलती है। फॉर फर्दर प्रोसेस, यहाँ पे लिख लो, फॉर फर्दर प्रोसेस, आगे की प्रोसेस के लिए वो कंप्यूटर के अंदर डेटा चला जाता है। तो फ्लैट बेड जो है वो हमें दिखने में कुछ ऐसा दिखेगा। देखिए, ये आप लोगों ने अक्सर ऑफिस वगैरह में इस तरह के स्कैनर्स होते हैं वो हमें दिख जाते हैं। ऑफिस में ये स्कैनर आपको बहुत आम तौर से ऑफिसेज में दिख जाएंगे, ठीक है। इसको फ्लैट बेड स्कैनर, जिसमें ढक्कन ऊपर से, देखिए ओपनिंग होगी, ऊपर से ओपनिंग करके इसी में रख देंगे और ये हमें स्कैन करके डेटा को कंप्यूटर में दे देगा। ये इस तरह के स्कैनर्स होते हैं, इसको हम फ्लैट बेड स्कैनर कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा फ्लैट बेड स्कैनर हो गया। ये हमने यहाँ पे लगा भी दिया कि जब नोट्स बनेगी तो आप लोगों को आइडिया रहे कि हाँ, ये फ्लैट बेड स्कैनर इस तरह का हो दिखता है। और कुछ पूछना है क्या? कोई भी चीज पूछना हो तो पूछ लो। एलेक्सा AI में आ जाता है। हाँ, AI में आ जाता है, सही है रविंद्र, बिल्कुल सही है, आपने बिल्कुल सही कहा। एलेक्सा जो है वो AI में आता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जो जो भी मशीन जो है कुछ ऐसा लगे कि ये काम कर रहा है, तो वो उसकी नेचुरल इंटेलिजेंसी तो होती नहीं। नेचुरल इंटेलिजेंसी सिर्फ ह्यूमन बींग्स में होती है, या जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, यानी कि जो आपके जितने भी जीव जंतु हैं वो सारे, जिनको हम लिविंग ऑर्गेनिज्म कहते हैं, तो वो हमारे उसमें तो नेचुरल इंटेलिजेंसी होती है, लेकिन जो हमारे मशीन्स होती हैं उसमें हमें इंटेलिजेंसी देनी पड़ती है, उसी को हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, AI। तो बिल्कुल एलेक्सा AI में ही जाएगा। फ्लैट बेड स्कैनर आपने जितने भी फोटोकॉपी मशीन में, कुछ भी आप मार्कशीट वगैरह फोटोकॉपी जब कराने जाते हैं, तो आप उसमें देखते होंगे कि जो आपकी जो फोटोकॉपियर है वो ढक्कन को ऐसे ओपन करता है और आपकी मार्कशीट को लगाता है और बटन दबाता है और एक प्रिंट आउट निकल आता है, यानी कि वो डेटा स्कैन कर लेता है, फिर वो पेपर पे प्रिंट और एज इट इज निकलता है, ठीक है, जैसा आपका रहता है। और ये तो हमारा हो गया फ्लैट बेड, ठीक है, फ्लैट बेड स्कैनर। अब आप हैंड हेल्ड डालिए, हेडिंग हैंड हेल्ड स्कैनर, इसको हम लोग जो है हैंड हेल्ड, ये हैंड हेल्ड जो है ये आपका जनरली जो बिलिंग काउंटर्स पे यूज होता है अक्सर, और भी मतलब बिलिंग काउंटर में हम इजीली देख सकते हैं, यूज तो इसका बहुत जगह पर होता है, और भी कई सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं जहां पर ये हमारा हैंड हेल्ड स्कैनर यूज होता है। इसको भी हम लोग देख लेते हैं कि ये कैसा होता है, ठीक है, देखेंगे आप बहुत इजीली आप समझ जाएंगे कि हमारा हैंड हेल्ड कंप्यूटर, वो सॉरी हैंड हेल्ड जो हमारा स्कैनर कैसा होता है, वो कुछ इस तरह का होता है। देखिए, हैंड हेल्ड बार कोड रीडर को रीड करने के लिए, यानी कि ये OBR कह सकते हैं इसको, वो हाँ ऑप्टिकल बार
को रिकॉग्निशन सिस्टम। तो ऑप्टिकल बार रिकॉग्निशन सिस्टम में जो स्कैनर यूज होता है वो हैंडहेल्ड स्कैनर यूज होता है। तो ये हमारा हैंडहेल्ड स्कैनर है। आप मोबाइल से जो क्यूआर कोड वगैरह भी स्कैन करते हैं ना, तो वो भी हैंडहेल्ड में आ जाता है। हमारे मोबाइल का स्कैनर भी हैंडहेल्ड में आ जाता है। जब आप पेटीएम करते हैं तो आप क्यूआर कोड स्कैन करते हैं, तो वो आपका क्या होता है, वो भी हैंडहेल्ड। हमारा मोबाइल भी हैंडहेल्ड स्कैनर की तरह काम करता है। हैंडहेल्ड का मतलब हाथ में लेकर के स्कैन करना, तो ये बहुत हैंडी डिवाइसेस होती हैं, इसीलिए इसको हम हैंडहेल्ड कहते हैं। इसको भी हम यहाँ पर लगा देते हैं ताकि जब नोट्स इसका बने तो में आसान हो। तो बिलिंग काउंटर्स पे बिलिंग करने के लिए जनरली ये यूज होता है, बिलिंग काउंटर पे। और इट स्कैन बार कोड्स विच इज प्रिंटेड ऑन प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट पे जो प्रिंट रहते हैं, स्टिकर लगे रहते हैं, ठीक है। तो ये हैंडहेल्ड है। हाँ, स्क्रीन शेयर कर दे रहे हैं, सॉरी। ये लिखिए, आ गई स्क्रीन, आ गया रितेश, अब आ गया होगा, भूल गए थे। मॉल में भी होता है, हाँ मॉल में भी होता है इसका। इसका यूज जो है वासल मॉल में होता है। आदर्श मिश्रा, कॉलेज ओपन हो रहा है क्या? हाँ कल से ओपन हो रहा है। आप लोगों को मैसेज पहुंच जाएगा, टाइम टेबल उसी हिसाब से आप लोग आइएगा। अभी आप लोगों को जब तक मैसेज नहीं जाएगा तब तक आप लोग मत आइएगा, ठीक है। और अगर आप लोग यहीं इलाहाबाद में ही रहते हैं तो आ करके आप ऑफिस में आज कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, ठीक है, या अरुण सर को कॉल कर सकते हैं। हमें कॉल मत करिएगा, हम आपको नहीं बता पाएंगे इसके बारे में। अरुण सर या तरुण सर को आप लोग कॉल कर लीजिएगा कि क्लास कब से चलेगी, क्लास का क्या शेड्यूल है। अगर आप यहाँ लोकल रहते हैं तो आ करके संपर्क कर लीजिएगा, बाहर रहते हैं तो कॉल कर लीजिएगा, ठीक है। और उस हिसाब से अपना आइएगा, कोई जल्दी नहीं है, आराम से, कोई टेंशन मत लीजिएगा। अच्छा चलिए, अब ये हो गया हैंडहेल्ड। अब हमारा कौन सा बचा, फ्लैट बेड स्कैनर हैंडहेल्ड, और एक कौन सा था, शीट फेड। एक और है शीट फेड, वो भी हम लोग देख लेते हैं। शीट फेड स्कैनर, हेडिंग डाल लीजिए शीट फेड। इसको डिलीट कर दे रहे हैं मैम। यहाँ पर हमारा थर्ड नंबर डाल लीजिए, जिसका माइक ऑन है वो प्लीज अपना माइक को म्यूट कर लो, आवाज आ रही है उधर से, डिस्टर्ब हो रहा है। थर्ड आपका हो जाएगा शीट, कौन सा, शीट फिट। शीट फिट शीट फेड स्कैनर, शीट फेड स्कैनर जो है इसमें क्या होता है, दीज स्कैनर्स नॉट ओनली स्कैन द डॉक्यूमेंट,
बट ऑल्सो आज देवेंद्र सर की क्लास चल रही है, देवेंद्र सर की चलेगी क्लास। अच्छा, देवेंद्र सर की तबीयत सही नहीं थी, वो ठीक हो गए हैं, तो आज उनकी क्लास चल रही है, तो आप लोग का शेड्यूल के हिसाब से ही जैसे है वो क्लास चलेगा, ठीक है। दीज स्कैनर नॉट ओनली स्कैन द डॉक्यूमेंट, ये सिर्फ स्कैन ही नहीं करते हैं बट ऑल्सो प्रिंट इट ऑन पेपर, ये पेपर पे प्रिंट भी कर देते हैं। यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि ये जो शीट फेड है इसमें इसमें जो है दो डिवाइसेज हैं, एक डिवाइस स्कैन कर रही है और एक डिवाइस क्या कर रही है, प्रिंट कर रही है। यानी कि इसमें क्या है, स्कैनर और प्रिंटर दोनों है, किसमें, शीट फेड में। क्योंकि हमने यहाँ पर ऊपर क्या लिखा, ऊपर हमने ये लिखा कि ये स्कैन भी कर रहा है और स्कैन के साथ साथ क्या कर रहा है, स्कैन के साथ साथ पेपर पे प्रिंट आउट भी निकाल रहा है। ये डिवाइसेस भी आप लोगों ने जनरली देखी होंगी, सिर्फ वही मैं बता रहा हूँ कि आपने ये सारी डिवाइसेस देखी, बस नाम हो सकता है आपको टेक्निकली ना पता, आज आपको पता हो गया। तो ये देख लीजिए आप, ये डिवाइस कैसी है, ये दिख रही है आपको डिवाइस, देखिए इसमें एक तरफ से आप जो भी डॉक्यूमेंट डालेंगे वो स्कैन होगा और दूसरी तरफ से वही डॉक्यूमेंट प्रिंट आउट होकर के निकल आएगा, ठीक है। अगर हम लोग ध्यान से इसको देखें तो इसमें देखिए एक तरफ पेपर लगा हुआ है, प्लेन पेपर लगा हुआ है, और एक तरफ जो है इन्होंने क्या करा है, प्रिंटेड मटेरियल लगा दी जिसको स्कैन करना है, तो ये इसको स्कैन करेगा और इसी पेपर पे प्रिंट आउट निकाल दे, स्कैन एंड प्रिंट। यानी कि कंप्यूटर में ले जाने की जरूरत नहीं है, अगर कंप्यूटर कनेक्टेड होगा तो कंप्यूटर को भी ये डेटा प्रोवाइड करा देगा। ये देखिए एक तरफ से स्कैन करेगा, एक तरफ से ये प्रिंट आउट निकाल देगा, दिस इज योर शीट फेड स्कैनर। ये ठीक उसी तरीके से होता है जैसे अगर आप लोगों में से किसी ने फैक्स मशीन जानी हो या अगर फैक्स मशीन आप लोगों ने देखी हो तो ये कुछ उसी तरह का काम करता है, फैक्स मशीन की तरह। फैक्स मशीन में भी एक तरफ आप पेपर लगा दी तो दूसरी उसी उसी मशीन से प्रिंट आउट भी निकल आता है। अब इसमें कोई कंफ्यूजन है किसी को, शीट फेड हैंडहेल्ड और फ्लैट बेड स्कैनर में कोई प्रॉब्लम है इसमें किसी को? फैक्स मशीन का यूज अभी भी इनपुट होगा, फैक्स मशीन जो है, फैक्स मशीन का यूज अभी भी होता है आशुतोष पांड? नहीं है, फैक्स मशीन जो है वो ऑब्सोलीट होगी, क्योंकि फैक्स मशीन में होता क्या था कि आपको कोई भी डॉक्यूमेंट दूर भेजने के लिए, जैसे अभी आपको कोई भी डॉक्यूमेंट मान लीजिए दूर भेजना है तो आप क्या करेंगे, दूर भेजने का मतलब है कि आपको कहीं भेजना है, जैसे आपको कोई डॉक्यूमेंट मेरे पास भेजना है तो आप क्या करेंगे, आप व्हाट्सएप हमें कर देंगे सिंपल, ठीक है। आप हमें मेल भी कर सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? आप हम कहें अपना हाई स्कूल का मार्कशीट भेजो या आधार कार्ड भेजो तो आप फट से उसका फोटो खींचेंगे और हमको मेल कर देंगे या व्हाट्सएप कर देंगे, कितना सिंपल है। लेकिन अगर अगर आपसे यही कहा जाए कि ऐसा है कि एक मशीन आती है मार्केट में, हमको जो आधार भेजो उसके लिए एक मशीन आती है, अब पहले मेरी बात सुनो, हमने कहा कि हमें आधार कार्ड तुम्हारा चाहिए अभी, लेकिन भेजने की विधि हम बताएंगे, तो अब आप कहेंगे क्या है सर, तो हम कहेंगे एक मार्केट मशीन आती है फैक्स मशीन, उसको जाके लेकर आओ, वो कहेंगे ठीक सर ले आएंगे, फिर आप कहेंगे आप उसको अपने मोबाइल से या अपने फोन से जोड़ लीजिए, तो आपने कहा सर जोड़ लिया, अब हमने कहा उसमें एक तरफ आप आधार डालिए तो वो आधार को आपका स्कैन कर लेगा मशीन, कहने हाँ सर वो आधार को स्कैन कर लिया, अब हमने कहा मेरा टेलीफोन नंबर मिलाओ और हमारे पास भी वही फैक्स मशीन हम ले आकर रख ले रहे हैं मार्केट से, और हमने अपने पास भी फैक्स मशीन ले आकर रख ली, यानी हम दोनों के पास फैक्स मशीन होगी, तो तुम उधर से फैक्स मशीन से स्कैन करेगा, जो तुम्हारा फैक्स मशीन है वो स्कैनर का काम करेगा और हमारी तरफ फैक्स मशीन प्रिंटर का काम करेगा, यानी फैक्स मशीन दोनों काम करता है, स्कैनर भी और प्रिंटर भी, एक तरफ से डॉक्यूमेंट लेगा और दूसरी तरफ से वो प्रिंट आउट निकाल देगा, तो जो हमारा डॉक्यूमेंट है वो प्रिंट आउट होकर के निकल आएगा, तो एक तरफ से यानी कि तुम्हारी तरफ से, अब तुम कहीं पर भी बैठे हो दुनिया किसी भी कोने में, वहां से तुम हमें भेज रहे हो तो तुम स्कैन करके हमें सेंड करोगे और हम यहाँ पर उसको क्या करेंगे, प्रिंट आउट कर लेंगे,
दूसरा तरीका, दूसरा हम आपको दे देंगे, तुम व्हाट्सएप कर सकते हो। तो आप क्या कहेंगे कि सर दूसरा वाला तरीका ज़्यादा आसान है, व्हाट्सएप कर देंगे, फ्री में पड़ेगा, नेट भी हम अपना नहीं यूज़ कर रहे हैं, पड़ोसी का वाईफाई मार दिया है उसमें डंडी, वो हम यूज़ कर रहे हैं, तो हम सर व्हाट्सएप कर रहे हैं आपको, ये सब ना बताइए आप कि हमें फैक्स मशीन ले आओ, खर्चा लगेगा। तो अब समझ में आया, तो फैक्स मशीन अब यूज़ नहीं होता है। सर जो प्रिंटर होता है वो कैसे इनपुट होगा? सर प्रिंटर आउटपुट डिवाइस होती है, इनपुट डिवाइस नहीं होती है, लेकिन अगर उसमें स्कैनर लगा, जैसे फोटोकॉपी मशीन है, अब फोटोकॉपी मशीन को देखो उसमें क्या है बताओ, फोटोकॉपी मशीन इनपुट डिवाइस है कि आउटपुट डिवाइस है? अतुल आप खुद बताइए कि फोटोकॉपी जब आप कराने जाते हैं तो वो क्या करता है? अब आप गौर करिए क्योंकि अब आप थोड़ा सा पढ़ चुके हैं। तो फोटोकॉपी मशीन इनपुट और आउटपुट दोनों है अतुल, आप ध्यान दीजिए उसमें क्या, ध्यान दीजिए, जो आपका रविंदर आउटपुट है, नहीं, फोटोकॉपी मशीन स्कैन करती है और प्रिंट आउट निकालती है, इसका मतलब उसमें स्कैनर भी फिट है और प्रिंटर भी फिट है, तो वो दोनों डिवाइस हो गई ना, इनपुट भी और आउटपुट भी। अभी समझ में आ रहा है ना अतुल? अतुल क्लियर है? रविंद्र आउट खाली आउटपुट थोड़ी है, इनपुट और आउटपुट दोनों है, क्लियर है ये? चलिए इसको हम डिलीट कर रहे हैं, ठीक है? यहां पर अब आप हेडिंग डाल सकते हैं, माउस तो आप जानते ही हैं। चलिए माउस से पहले ओसीआर पढ़ लेते हैं, ओसीआर ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ओसीआर ऑप्टिकल ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन ये क्या है? होता क्या है कि मान लीजिए कि आपका जो है एक, मान लीजिए कि आपने यहाँ पर ये टाइप्ड मटेरियल है, टाइप्ड मटेरियल, टाइप्ड मटेरियल का मतलब है कि इसमें जो है आपने टाइपिंग करी, ये कोई पेपर है, ठीक है, दिस इज पेपर। अब आपने इसमें जो है कोई कुछ टाइप्ड, ठीक है, कुछ टाइपिंग करी हुई है, ये टाइप्ड मटेरियल है, फिगर नहीं बना हुआ है, खाली टाइपिंग मटेरियल है। तो यहां पर हम लिख देते हैं नीचे, टाइप्ड एंड प्रिंटेड मटेरियल, यानी कि ये प्रिंट करा हुआ है। टाइप्ड एंड प्रिंटेड क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कोई बुक है, एज्यूम ये हमारे पास एक बुक है, तो बुक में, यहाँ पर आपके पास भी बुक होगी, तो बुक्स में क्या होता है, बुक्स में मैटर क्या करा जाता है, टाइप करके प्रिंट कर दिया जाता है पेपर पे, तो यहाँ पर टाइप करके पेपर पे प्रिंट करा हुआ है, तो ये आपके पास प्रिंटेड है, यानी कि ये टाइप्ड एंड प्रिंटेड पेपर है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, हमारे पास में ये हमारा जो है ये कंप्यूटर है, ठीक है, ये हमारा क्या है, कंप्यूटर है, ये हमारा कंप्यूटर का स्क्रीन है। अब हम ये चाह रहे हैं, यानी कि मॉनिटर हमारे सामने है, पूरा कंप्यूटर है, इसमें कीबोर्ड भी है, माउस भी है, सब है, यहाँ कीबोर्ड भी लगा लेते हैं, कीबोर्ड भी लगा लग गया, ठीक है, ये कीबोर्ड है। अब हमें बताइए कि इस मैटर को, जो टाइप्ड मैटर है, हम चाहते हैं ये कंप्यूटर में स्टोर हो जाए, लेकिन टाइप किया हुआ, देखो स्कैन किए हुए को हम एडिट नहीं कर सकते। जैसे आपने मान लीजिए बायोडाटा है, बायोडाटा को स्कैन कर लिया, बायोडाटा को स्कैन करके आपने डाल लिया अपने कंप्यूटर में, तो आप बायोडाटा को एडिट नहीं कर पाएंगे, जैसे उसमें नाम गलत हो गया तो नाम चेंज नहीं कर पाएंगे। तो आपको कैसा चाहिए,
ये पूरा का पूरा जो टाइप्ड प्रिंटेड टाइप्ड एंड प्रिंटेड मैटर है, ये आप चाह रहे हैं कि ये कंप्यूटर के अंदर चला जाए, ठीक है। तो एक तो तरीका है स्कैन कर लेंगे, तो स्कैनर यूज हो जाएगा, स्कैनर हमने आपको बता ही दिए, लेकिन हमें क्या करना है, यहाँ जो अंदर जाएगा यानी कि ये पूरा टेक्स्ट, ये पूरा जो टेक्स्ट है वो हमारा यहाँ पर जाएगा किस फॉर्म में, ऐसे जाए कि एडिट कर सकें, एडिट। देखो हम क्या बताना चाह रहे हैं, अब इसको आप समझिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ कुछ फोटो या पिक्चर ले लेते हैं, ठीक है। पहले हम कुछ एक मटेरियल खोल लेते हैं, जैसे हमारा एक तो डॉक्यूमेंट खुला हुआ है, एक मिनट, हम तुम्हें मतलब एडिटेड डॉक्यूमेंट क्या होता है ये हम बता रहे हैं, क्या एडिटेड, हमें एडिटेड जो वर्ड बोल रहे हैं इसका मतलब क्या है पहले ये समझो। मतलब इसका ये है कि जैसे पहले हम यहाँ पर एक, हाँ चलो ये दो चीज़ें हैं, एक कोई डॉक्यूमेंट ले लेते हैं, स्कैन करा हुआ सपोज, रुको एक मिनट, हाँ एक्चुअली हम खोल रहे हैं उसको, डॉक्यूमेंट को, डॉक्यूमेंट ओपन हो जाए तो आपको हम दिखा रहे हैं, एक सेकेंड। बस एक डॉक्यूमेंट ओपन हो जाए, थोड़ा ओपन हो रहा है, तो देखो एडिटेड डॉक्यूमेंट क्या होता है पहले समझ लेते हैं। कोई भी जैसे मान लो कि ये आपको स्क्रीन देखिए दिखा रहे हैं आपको, ये स्क्रीन दिख रही है आपको सामने, स्क्रीन इज शोइंग ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर लिखा हुआ है, दिख रहा है ना, ठीक है, वर्ड में टाइप करके प्रिंट निकाल सकते हैं, बिल्कुल उसका मैटर। जैसे अब यहाँ पर क्या है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे जो भी ये मैटर लिखा हुआ है, तो इन मैटर्स को हम, जैसे मान लीजिए यहाँ सीआरटी लिखा है, तो सीआरटी पे हम क्लिक करके इसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं कैथोड, कैथोड रे ट्यूब, ये हमने लिख दिया, देखिए मतलब इसको हमने एडिट कर दिया, ठीक। हम बोल्ड भी कर सकते हैं, हमने कहा चलो इसको बोल्ड कर देते हैं, तो हमने यहाँ से इसको बोल्ड कर दिया, हमने इसको एडिट कर दिया, ठीक है। हम इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, तो हमने चलो यहाँ पे कलर भी इसका चेंज कर दिया, मान लो भाई हमने ये कर दिया कैथोड, तो ये एडिटेड डॉक्यूमेंट हो गया। अब जो, अब मान लीजिए कि यहाँ पर, हाँ अब देखिए एक डॉक्यूमेंट हमने खोला है, पीडीएफ फाइल हमने खोली है, इट इज पीडीएफ फाइल, ये दिख रहा है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, दिख रहा है आपको, पहले आप बताइए दिख रहा है तो फिर हम बताएं, ये दिख रहा है ये वाला नया शेयर करा है हमने, अतुल वासल को दिख रहा है, अतुल नितेश, ठीक है। अब इसमें क्या है, ये मान लो यूनिवर्सिटी लिखा हुआ है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन लिखा हुआ है ना, डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो रिकॉग्निशन फॉर एकेडमिक ईयर, इस एकेडमिक को हम चेंज करना है, हमें कैलेंडर लिखना है, देखो हमने सेलेक्ट कर लिया ना, अब हम लिख रहे हैं टाइप कर रहे हैं कीबोर्ड से, ये टाइप नहीं कर रहा है, ये चेंज ही नहीं हो रहा है, ठीक है, ये चेंज नहीं हो रहा, ना ही यहाँ कोई एडिटिंग का फीचर इसमें आया। जैसे यहाँ पे मान लो कि लिखा हुआ है ये बड़ा छोटा तो हो सकता है, जूम कर सकते हैं इसको, जैसे यहाँ पे पेरेंट लिखा है, स्टूडेंट्स लिखा है, स्टूडेंट को हम चाहते हैं हम चेंज कर दें, तो देखो हम कीबोर्ड चला रहे हैं लेकिन ये काम ही नहीं कर रहा है, यानी कि वी आई कैन नॉट चेंज एनीथिंग, क्यों, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट स्कैन करके कंप्यूटर में डाला गया है, तो इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर इसी डॉक्यूमेंट को हमें चेंज करना हो तो पहले हम इसका प्रिंटआउट निकाल लेंगे, और प्रिंटआउट निकालने के बाद हमें एक डिवाइस का यूज करना पड़ेगा, और उस डिवाइस को हम कहते हैं ओसीआर, उसी डिवाइस को हम ओसीआर कहते हैं, ठीक है। तो अब आ जाते हैं हम ओसीआर पे,
तो ये जो हमारा ओसीआर है, ये डिवाइस क्या करेगा, ये डिवाइस इस प्रिंटेड मैटर पे, ये पेन की तरह होता है, ठीक है, यानी कि ये एक पेन होगा, ये एक तरह का पेन होता है। यहाँ पे जैसे मान लेते हैं, आप एज्यूम कर लीजिएगा कि ये एक पेन है, ठीक है, ये पेन है। अब ये पेन इस पे चलेगा, और ये पेन, दिस पेन कनेक्टेड विद द कंप्यूटर, ये जो पेन है ये कंप्यूटर से कनेक्टेड होगा, तो हम इसको यहाँ पे कनेक्ट कर दे रहे हैं। ये एक वायर, मान लो कि ये वायर है, ये वायर से यहाँ से कंप्यूटर से कनेक्टेड है, तो ये इस पे जो भी लिखा हुआ है ये पेन इसको रीड करेगा, और इस वायर के जरिए, वाईफाई भी हो सकता है और मतलब वायरलेस भी हो सकता है, और जो ये लिखा हुआ है उसके सामने से गुजारेगा, और ये हमारा यहाँ पर कंप्यूटर में अपने आप विदाउट टाइपिंग, आपको टाइपिंग करना नहीं पड़ेगा, और यहाँ पर आपको कैरेक्टर जो मिलेंगे, और वो कैरेक्टर आपको कैसे मिलेंगे, उन कैरेक्टर को आप क्या कर सकते हैं, यू कैन एड इट। अब यहाँ पर जो हमारे पास है, नाउ यू कैन एडिट, मान लो कि इस डॉक्यूमेंट का नाम हमने रख दिया था एक्स, अब यही एक्स हमारे पास यहाँ पर, ये एक्स डॉक्यूमेंट आ गया, तो नाउ यू कैन एडिट द डॉक्यूमेंट एक्स, अब एक्स वाले डॉक्यूमेंट को आप एडिट कर सकते हैं, ठीक है। ये दिखता कैसा है इसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। ओ सी आर, ओ सी आर को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिख जाएगा, ठीक है, ये दिख रहा है आपको, देखिए यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, ये ओ सी आर है, इससे लाइट्स निकलती हैं, लेजर लाइट्स निकलती हैं, और ये इस पे ओवर ओवर द टेक्स्ट, टेक्स्ट के ऊपर करेंगे, और टेक्स्ट को ये रीड करता जाएगा, और कंप्यूटर उसको टेक्स्ट के फॉर्म में कन्वर्ट करता चला जाएगा। तो ये हमारी क्या है कि इसको हमको टाइप नहीं करना पड़ेगा, तो टाइपिंग टाइपिंग का टाइम आपका बच जाएगा इससे, ठीक है। तो ये हमारा काम होता है ओसीआर का, ये क्लियर है, ये देखिए ये सही पेन की तरह ही होता है। तो ये पेन जो है, इस पे जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है उस पर आप जस्ट अपना पेन को उसके ऊपर ले जाएंगे, और आपके सामने में ओसीआर से आप जो भी टाइप्ड मैटर है उसको डायरेक्टली कंप्यूटर में डाल सकते हैं विदाउट टाइपिंग फ्रॉम कीबोर्ड, ठीक है। तो इसका मेन पर्पस होता ही इसलिए है कि आप विदाउट टाइपिंग, तो हम यहाँ पर इसको जो है लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं वी कैन एंटर टेक्स्ट, वी कैन एंटर टेक्स्ट विदाउट टाइपिंग, विदाउट टाइपिंग फ्रॉम कीबोर्ड, कीबोर्ड से टाइप किए बगैर, हम कीबोर्ड से टाइप किए बगैर इंटर कर सकते हैं, ठीक है। वी कैन इंटर टेक्स्ट विदाउट टाइपिंग फ्रॉम कीबोर्ड, ये काम कर सकते हैं हम ओसीआर से, ठीक है। वीडियो हमारी रुक गई है किसी रीजन से, यहाँ थोड़ा सा लाइट का फ्लक्चुएशन हो गया, द वीडियो इज, देखें शायद आ जाए, कनेक्शन लॉस बता रहा है, चलो खैर ठीक है, हो ही गया है ऑलमोस्ट। तो टाइप करके आप कमेंट बता दिए, कोई क्वेश्चन तो नहीं है, समझ में आ गया, चलो फिर नेक्स्ट क्लास में, अब कल तुम लोगों को टाइम टेबल जैसा मिलेगा वैसा कल क्लास होगा,
जो ऑनलाइन भी शायद क्लास चलेगा कल, तो जो नहीं आ पाएंगे स्टूडेंट उनके लिए ऑनलाइन क्लास होगी, वो सब आपको आज बता दिया जाएगा। चलिए दैट्स इट, थैंक यू। दिख नहीं रहा है ना, तुम लोग भी नहीं दिख रहे हो, कमेंट दिख रहा है, समझ में आ गया, टाइप करके बता दो तो हम डिसकनेक्ट करें फिर। क्लियर है? चलो ओके, हाँ आ गया आ गया, तुम लोग का भी मैसेज आ गया, चलो ओके बाय।